अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखते हैं। पहला है हाउ डज फिशिंग टेक स्पेस। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में हम बहुत सारे जो ई कॉमर्स थ्रेट वायरस एंटीवायरस सबके बारे में बात कर रहे हैं। फिशिंग कैसे होती है? फिशिंग का मतलब ये होता है कि किसी तरीके से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे पासवर्ड वगैरह है, क्रेडिट कार्ड की क्रेडेंशियल्स है, वो आपके कंसेंट के बगैर लेना। तो नॉर्मली फिशिंग होती है ईमेल के थ्रू या इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू। इसमें क्या होता है, कोई एक इम्पोस्टर होता है, कोई एक ऐसा आदमी जो ये दिखा रहा है कि मैं जेन्युइन हूं, और फिर वो ट्रिक करता है लोगों को इंफॉर्मेशन के हिसाब से। तो आपको एक ईमेल भेजेगा वो और बताएगा कि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं किसी कंपनी का, आपसे बोलेगा कि ये अपडेट होना है, वो अपडेट होना है, आप जरा ये चीजें इस लिंक पे क्लिक करिए। जैसे आप लिंक क्लिक करेंगे वो रीडायरेक्ट होगी उसके जो फ्रॉड वेबसाइट उसमें बनाई हुई है, और अपना डेटा एंटर कर देंगे और वो साइबर क्राइम या फ्रॉड के लिए यूज हो सकता है। ऐसी एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप कोई बैंक है आईसीआईसीआई मान लीजिए, उसका आपने जैसे फ्रंट पेज खोला, वो फ्रंट पेज एकदम आईसीआईसीआई की तरह दिख रहा है, लेकिन वो है फिशिंग। यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड भर दिया, पासवर्ड जो दो दो बार भरा तो आपको गलत दिखाया, फिर उसके बाद ये स्क्रीन हट जाएगी, फिर एक्चुअल आईसीआईसी की स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद आप भरेंगे एंटर कर जाएंगे, लेकिन जो आपने दो बार गलत भरा है वो डेटा जो है वो किसके पास चला गया, वो ये जो इम्पोस्टर है उसके पास चला गया। हाउ डज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वर्क, एंटीवायरस कैसे काम करता है? एंटीवायरस आपके सिस्टम में जो है वो बहुत रूट लेवल पे काम करता है। ये देखता है कि कोई वायरस तो नहीं है, कोई अगर नोन वायरस है या नोन वायरस, अगर अगर वो नोन वायरस है जिसका पता है और जिसकी जिसका ट्रीटमेंट बन चुका है, तो उसका एंटीडोट लिखा होगा, तो वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो मतलब एंटीवायरस क्या करता है कि उस वायरस सिग्नेचर को पढ़ता है, और अगर बाई चांस उसके फिंगरप्रिंट मैच कर जाते हैं, जो यूनिक स्ट्रिंग होती है उसमें, वो वायरस से अगर मैच हो गया तो आपके कंप्यूटर से उसको हटा देता है। और बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जो इस एंटीवायरस में, यही होता है कि वो जाके अंदर जाके चेक करता है चीजों को, और वो अगर मैच करती है किसी स्ट्रिंग से तो उसे वो रोक देता है। इसके अलावा अगर बाई चांस ऐसा अननोन कोई सॉफ्टवेयर कोई ऐसा है जो उसे लग रहा है कि ये वायरस हो सकता है, उसे वो क्वारंटाइन कर देता है, यानी कि एक ऐसी जगह डाल देता है जो बाकी दोबारा वो इफेक्ट ना कर पाए। और नए वायरसेस जिसका सोल्यूशन नहीं है तो उसमें एक ह्यूरिस्टिक्स लगाता है वायरस स्कैनिंग, कुछ ऐसी एक्टिविटी, क्योंकि अब एंटीवायरस को तो पता है कि क्या क्या एक्टिविटी ऐसी हो सकती है जो वायरस लाइक एक्टिविटी है, तो कोई सस्पेक्टेड एक्टिविटी अगर वो कर रहा है प्रोग्राम तो उसको वो क्वारंटाइन कर देता है जैसे मैंने बताया, और फिर उसके बाद वो उस चीज को आगे बढ़ने से रोक देता है। जैसे कई वायरसेस जो काम करते हैं वो विंडोज रजिस्ट्री को ही चेंज कर देते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वारंटाइनिंग अ वायरस? क्वारंटाइनिंग का मतलब ये होता है कि अगर किसी को कोई ऐसी डिसीज हो गई, जैसे इबोला वायरस हो गया, वो फैलता है, अब इसको अगर हम जनरल वार्ड में रखेंगे तो बाकी सबको भी हो जाएगा, तो इनको हम ऐसे एक कमरे में रखते हैं एकदम जहां से किसी को फैल ना पाए, तो इनको हमने कह दिया कि इस मरीज को हमने क्वारंटाइन कर दिया, मतलब तो ये और ना फैल पाए ये डिसीज। इसी तरीके से क्वारंटाइन का मतलब ये होता है कि अगर वायरस को लग गया कि ये कुछ एक्टिविटी ऐसी हो रही है या उसका कुछ मैचिंग स्ट्रिंग ऐसी मिल गई कि ये कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो गलत है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि उसको ऐसी जगह भेज देते हैं, जो ऐसी एरिया में रख देते हैं जो एंटीवायरस है वो, ताकि वो और इफेक्ट ना कर पाए। और ये भी होता है कई जो आज के एंटीवायरस है वो इसको भेज देते हैं अपने, क्योंकि सब कुछ नेट पे है, ऑनलाइन है, तो वो वापस भेजता है वेंडर पे, वेंडर उसे चेक करता है सिग्नेचर को, नाम को, कैटलॉग को, फिर उसका एंटीडोट रिलीज कर देता है। एंटीडोट यानी जैसे इबोला का एंटीडोट है, इंजेक्शन है, इसी तरीके से। और कई बार क्या होता है कि ये भी हो जाता है कि कभी 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 वो वायरस दोबारा दिखाई ना दे, जो जो अनआइडेंटिफाइड है, तो फिर वो उसके लिए कुछ किया नहीं जाता क्योंकि वो वायरस डोरमेंट होता है। व्हाट डू यू नीड टू इंस्टॉल एंटीवायरस, और व्हाई डू यू नीड टू इंस्टॉल एंटीवायरस इन योर कंप्यूटर? देखिए,
समाज में अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं, ऐसे इंटरनेट पे अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं, और वो बुरे लोग हो सकता है ज्यादा इंटेलिजेंट हो अच्छे लोगों से। आपने देखा कि रामायण में जो रावण था वो राम से बाकी कई चीजों में वो ज्यादा नॉलेजेबल था, लेकिन वो उसके उसने नॉलेज गलत जगह लगाया। इसी तरीके से जो हैकर्स होते हैं, क्रैकर्स होते हैं, ये अभी नॉलेज जो है गलत जगह लगाते हैं, गलत काम में लगाते हैं और नुकसान करते हैं। तो एंटीवायरस जानना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि इतने सारे गलत लोग हैं जो आपके सिस्टम को हार्म कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर को हार्म कर सकते हैं नेट के थ्रू या ऐसे। तो वायरस आपके कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है, आपकी इन्फॉर्मेशन जा सकती है। तो इन सब सिचुएशन के लिए आप एंटीवायरस डालिए। अगर एंटीवायरस नहीं है इसमें तो वायरस अटैक हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका सिस्टम जो है वो हैंग हो सकता है, करप्ट हो सकता है। SSL क्या होता है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। SSL का फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर। ये बेसिकली एक प्रोटोकॉल है। ये बताता है कि और ये इंश्योर करता है कि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो सेफली ऑनलाइन आप भेजे नेटवर्क के थ्रू। तो क्या होता है, एक वेब सर्वर और ब्राउजर इनके बीच में एक ये एक सॉकेट, मतलब एक पाइप की तरह समझ लीजिए, ये इंक्रिप्टेड लिंक बना देता है। यानी कि अगर इंफॉर्मेशन जा रहा है तो इंक्रिप्टेड जाए। और जो आज वेबसाइट्स हैं मोस्टली वो SSL यूज करती हैं ताकि यूजर को प्रोटेक्ट किया जा सके। व्हाट आर द मेन रीजंस दैट रिस्ट्रिक्ट यूजर फ्रॉम परफॉर्मिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑनलाइन? कौन सा रीजन है जो आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ऑनलाइन उसके लिए आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं? अब देखिए, न्यूज में आप देखते रहते हैं ये फ्रॉड हो गया, वो फ्रॉड हो गया, इसने इसके पैसे चुरा लिए बैंक से, ये हो गया, वो हो गया। ये सब सुनते सुनते आपको लगता है कि यार मेरा पैसा ना चला जाए। अभी आप कई बार ऐसा होता है कि ATM से आपके पैसे निकल जाते हैं, आपको पता ही नहीं रहता क्या कैसे हो गया ये। तो जो मेन रीजन है जिससे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन खासतौर पे लोग नहीं करते हैं वो है कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है कोई नहीं देना चाहता, जैसे क्रेडिट कार्ड बैंक या बैंक अकाउंट डिटेल, ये सब लोग नहीं देना चाहते। और एक और चीज हो सकती है कि लोग चाहते हैं कि चीजों को देखे समझे फिर खरीदे। राइट अ नोट ऑन इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ई कॉमर्स में, और ये रूल्स या गाइड रेगुलेशंस आप कह सकते हैं जो ऑनलाइन आपको फॉलो करने हैं या फिर सिस्टम को नेटवर्क को फॉलो करने हैं ताकि किसी तरीके से किसी चीज का मिसयूज ना हो। ओके, आप देखिए, आपके कोई ऑर्गेनाइजेशन उसके सामने एक गार्ड बैठा होता है, वो किस लिए बैठा होता है? कि अनवांटेड आदमी अंदर ना घुस जाए, है ना। तो इस तरीके से जो सिक्योरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का यहां तात्पर्य है, कोई भी इलीगल एक्सेस या कोई मॉडिफिकेशन है वो उससे आपको प्रोटेक्शन मिले, आपको यूजर को सबको प्रोटेक्शन मिले। सेट द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग अ रेगुलर बैकअप ऑफ योर कंप्यूटर डेटा। रेगुलर बैकअप का इंपॉर्टेंस क्या है? रेगुलर डेटा का इसका मतलब ये होता है कि आपका डेटा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है, वो प्रोटेक्टेड है, और अगर कोई दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है, तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। आपको मैच करना है वॉर्म्स, मेलवेयर, स्पैमिंग, वायरस। तो एक्ट ऑफ पोस्टिंग बल्क मैसेजेस टू सेवरल यूजर, ये क्या होता है? स्पैमिंग होती है। प्रोग्राम्स दैट मे और मे नॉट सेल्फ रेप्लिकेट एंड डैमेज द डेटा, इसको देखते हैं। मिलिशियस प्रोग्राम्स दैट कैन कॉपी देमसेल्व्स ऑन अ कंप्यूटर, क्या ये वायरस होंगे? इसको भी देखेंगे। मेलिशियस सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइंड टू इंटरप्ट ऑनगोइंग कंप्यूटर ऑपरेशन, ये क्या होते हैं? वॉर्म्स होते हैं कि मेलवेयर होते हैं? मैंने ये कर दिया है, इसका सही उत्तर बताता हूं आपको। वॉर्म्स होते हैं मेलिशियस प्रोग्राम जो कॉपी करते हैं अपने आप को कंप्यूटर पे। मेलवेयर वो होते हैं जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर जो डिजाइन इस तरीके से होते हैं कि जो आपके मतलब मेलवेयर मतलब जो जिनकी मेलिशियस एक्टिविटी है, ऐसे सॉफ्टवेयर। मेलिशियस सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो इस तरीके से डिजाइन होते हैं ताकि वो इंटरप्ट कर सके आपके कंप्यूटर ऑपरेशन को। स्पैमिंग का मतलब होता है बल्क मैसेजेस बहुत सारे यूजर को एक साथ भेजना। फाइनली वायरस का मतलब ये होता है कि प्रोग्राम जो रेप्लिकेट हो या ना हो, लेकिन उनका काम ये होता है कि वो इसलिए बनाए जाते हैं कि आपके डेटा को डैमेज कर सके।